आज लोकतंत्र का पर्व है, पर्व का समय है। इस लोकतंत्र के पर्व में तमाम राजनीतिक पार्टियां, राजनेता, समाज सेवक, तमाम शुभचिंतक, तमाम वोटर अपने अपने स्तर से नजर लगाए हुए हैं। सभी लोग इस लोकतंत्र के पर्व में डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहभागी हैं। तो मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व में सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, हर व्यक्ति लोकतंत्र के पर्व में सहभागी हों। और साथियों, राष्ट्र उदय पार्टी आप सभी लोगों के हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान के लिए जब से अस्तित्व में आई है, दिन रात एक करके, परिश्रम करके, आप सभी लोगों के साथ सहयोग से बड़ी ही तेजी के साथ उत्तर प्रदेश के राजनीति में अपनी स्थान बनाई। साथियों, आज हम भागीदारी संकल्प मोर्चा में बहुत मजबूती के साथ, बहुत ही दिल के साथ, तन मन धन से हम अथवा सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, आम जनता लगे हुए थे। लेकिन बड़े भारी मन से हमको कल भागीदारी संकल्प मोर्चा से राष्ट्र उदय पार्टी को अलग करना पड़ा। तो साथियों, आप सभी को हम विश्वास दिलाता हूँ कि आपका भाई बाबूराम पाल आप सभी के मान सम्मान, स्वाभिमान को कहीं से भी कम नहीं होने देगा। आप सभी के मान सम्मान, स्वाभिमान को ऊंचा उठा करके ही रहेगा। आप सभी को राजनीतिक भागीदारी दिला करके ही रहेगा, क्योंकि जो आप सभी का विश्वास, साथियों हमने देखा है, जब गांव-गांव में मैं घूमता था तो हमारे गरीब माताएं बहनें, उनके दुख और उनका पीड़ा और उनका हमारे प्रति, राष्ट्र उदय पार्टी के प्रति विश्वास, यह हमको चैन से बैठने ही नहीं देगा। साथियों, इनकी बेचैनी, इनकी पीड़ा, इनका हमारे ऊपर विश्वास, ये हमारी ताकत बनेगी। और आज साथियों, जो भागीदारी संकल्प मोर्चा से राष्ट्र उदय पार्टी बाहर हुई है, चूंकि राष्ट्र उदय पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा में भागीदारी के लिए ही गई थी, राजनीतिक भागीदारी के लिए, लेकिन जब भागीदारी सम्मानजनक नहीं मिली तो यहाँ से वापस हुई है। तो साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, यह लोकतंत्र का एक मेला है। ये जैसे मेले में कई प्रकार के लोग होते हैं, एक लोग ऐसे होते हैं जो मेला देखने जाते हैं, तो उस मेला में अलग अलग मोड़ पे अलग अलग बाजार लगा होता है। कहीं पे खिलौनों का बाजार होता है, कहीं पे कपड़ों का बाजार होता है, कहीं पे झूला हुआ होता है, कहीं पे खाने पीने की सामान होती है। तो इन सभी का लुप्त वही व्यक्ति उठाता है जो मेला में चलते रहता है और निरंतर कदम आगे बढ़ाते रहता है। और कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि मेला में जा करके अपनी दुकान लगा करके बैठ जाते हैं, तो बैठे रहते हैं अपनी दुकान बेच करके और पैसा कमाने के लिए बैठते हैं, और वो मेला नहीं देख पाते हैं, बस अपने सामान बेच के पैसा कमाने की इच्छा रहती है। तो हम आप सभी को बता देता हूँ कि राष्ट्र उदय पार्टी आपके मेले में, इस लोकतंत्र के मेले में अपनी दुकान सजा करके पैसे कमाने के लिए नहीं आई है। राष्ट्र उदय पार्टी इस मेले में, लोकतंत्र के मेले में निरंतर आगे बढ़ने के लिए आई है। जैसे उदाहरण तौर पर हम बता दें आपको कि जब हम राष्ट्र उदय पार्टी अस्तित्व में आई, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में संगठन का विस्तार करते हुए, संगठन को बढ़ाते हुए पहला कार्यक्रम 24 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर में आयोजित की। और यह कार्यक्रम चूंकि लोकतंत्र
में प्रमुख संविधान को लेकर के यह कार्यक्रम था। यह कार्यक्रम बहुत ही सफल और बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम रहा। तो उस कार्यक्रम की सफलता के बाद जब हम और आगे बढ़े तो भागीदारी संकल्प मोर्चा बना। भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ और आगे बढ़ते गए तब समाजवादी पार्टी के साथ घोषित अघोषित कह सकते हैं गठबंधन हुआ। फिर वहाँ से आगे हम मेले में और बढ़े तब लगा कि यह मेला में अब वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है, भागीदारी मिलने वाली नहीं है। जैसा कि आश्वासन दिया गया था, जैसा कि कहा गया था भागीदारी मिलेगी, तो हम अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी को इस मेले से अलग करके अब हम अलग मेले की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी लोकतंत्र के मेले की तरफ बढ़ रहे हैं। क्योंकि मेला साथियों जीवन में जैसे विकास के लिए अनंत है, कोई उसका विकास का अंत नहीं है, इस तरीके से इस लोकतंत्र के मेले में भी अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। इस मेले में अब आपका भाई राष्ट्रवादी पार्टी के साथ अब आगे बढ़ रहा है, इसमें अब तमाम साथी और मिलेंगे। और कौन साथी मिलेगा, कैसा मिलेगा, यह कुछ ही दिनों में क्लियर हो जाएगा। लेकिन हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूँ इस लोकतंत्र के मेले में साथी मिलेंगे जरूर। आपका भाई प्रयास कर रहा है और तमाम और साथी भी प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आपको हम विश्वास दिलाते हैं, जब से हम भागीदारी संकल्प मोर्चा से राष्ट्रवादी पार्टी को अलग किए, अपने आप को अलग किए हैं, तब से इसने इतने फोन कॉल, अपने ऐसे ऐसे शुभचिंतकों का, अपने समाज के और अदर समाज के लोगों का और पार्टियों का ऐसे ऐसे फोन आने लगे कि भैया आप चिंता ना करिए, आप हिम्मत मत हारिए, हम सब आपके साथ हैं। हम फला पार्टी से बात कर रहे हैं, फला पार्टी से आपसे हम गठबंधन कराते हैं, फला पार्टी के मुखिया से हमारी बात है। साथियों इतने फोन आने लगे कि हमको अचंभित हुआ कि राष्ट्रवादी पार्टी की इतनी बड़ी ख्याति है, राष्ट्रवादी पार्टी को चाहने वाले इतने बड़े लोग हैं। साथियों आप लोगों को हम विश्वास दिलाता हूँ कि आज राष्ट्रवादी पार्टी आप लोगों के मेहनत से, साथ सहयोग से आज एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है। चूँकि यह पार्टी शुद्ध मेहनत और ईमानदारी से आगे चल रही है, सबका साथ, सबका सम्मान, सबके अधिकार की बात करती है। तो साथियों आज राष्ट्रवादी पार्टी काफ़ी तेजी से आगे बढ़ चुकी है और तमाम चाहने वाले लोग सब पार्टी के साथ लगे हुए, हौसला हमारा दिन रात बढ़ा रहे हैं। तो हम आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि जरूर सम्मानजनक भागीदारी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द 4-6 दिनों के अंदर ही आप लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी सुनने के लिए मिलेगी और अच्छे साथियों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अथवा चिंता का कोई विषय नहीं है, एक तरीके से राष्ट्रवादी पार्टी को भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग होने पे एक मजबूत हम लोगों को स्तंभ के रूप में उभरने का यह अवसर है। हम लोग उभर करके अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का अवसर है। हमारे पास वोट बैंक है और हमारा जो कुदरती स्वभाव है, मेहनती, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू, मिलनसार, तो हम मिलनसार होते हुए अपने तमाम अड़ोस पड़ोस के लोग, तमाम किसी भी सर्व जाति सर्व समाज के लोगों के साथ यारी दोस्ती करके हम उनको पार्टी में जोड़ करके जो सम्मानजनक प्रत्याशी हों उनको चुनाव मैदान में उतार करके और भारी से भारी मतों से उनको हम विजयी बनाने का काम करें अथवा मत दिलाने का काम करें, अपना संगठन तैयार कराने का काम करें। और साथियों इस बार का ये जो चुनाव है, यह चुनाव आप एक विधानसभा लड़ रहे हैं तो आपके मन में ये रखिए, क्योंकि इस बार का ये कोविड गाइडलाइंस का जो नियम है यह लंबा चलेगा। इसलिए इस नियम में बहुत ज़्यादा रैलियाँ, बहुत ज़्यादा जनसभाएँ करने का अवसर नहीं रहेगा। तो यह नियम सभी बड़ी पार्टियों, छोटी पार्टियों के लिए सभी समान है। तो इसमें मैन पावर की ज़रूरत है, विधायक जी आइए, मैन पावर की ज़रूरत है। साथियों सर मनी पावर अगर नहीं है तो अभी यह चुनाव आप अच्छे से लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। आप समझ सकते हैं एक विधानसभा में लगभग कम से कम 8 से 10 से 12 के आसपास जिला पंचायत सेक्टर होता है। तो सेक्टर चुनाव लड़ने के समय जैसा ही आप मन बना करके ग्राम प्रधान के चुनाव, लोकतंत्र में साथियों का मिलना बिछुड़ना यह लगा रहता है, एक आम प्रक्रिया है।
तो कहीं ना कहीं हम लोग लगभग 2 साल से ज़्यादा समय से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के साथ दिन रात एक करके मेहनत करते रहे, बड़े आशा और उम्मीद के साथ कि नहीं पिछड़े दलितों का भला होगा। और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से हमने जो भी बात कही, अपने भेड़ पालकों के अत्याचार अन्याय के लिए, उनके साथ जो जुर्म ज्यादती अत्याचार अन्याय हो रहा है, अभी भी हो रहा है, पहले भी हो रहा था, तो इनके विषय को माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने विधानसभा में उठाए भी और भी बात को रखा भी उन्होंने, और हम सब मिलकर के साथ में चलते रहे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमको भागीदारी संकल्प मोर्चा से राष्ट्रीय जनता पार्टी को अलग करना पड़ा, अपने आप को अलग करना पड़ा। इसमें कहीं ना कहीं मजबूरियां हो सकती है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की, हो सकता है। तो हम आप सब इसे एक आह्वान करता हूं कि आप सभी हमारे, अरे जो सोशल मीडिया पे हमारे शुभचिंतक हैं, साथी हैं, हमारे पाल बघेल धनगर समाज के लोग हैं, राष्ट्रीय जनता पार्टी के साथी हैं, आप सभी लोग माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के विषय में सम्मानजनक नजरिया रखें, सम्मानजनक आप लोग पोस्ट करें, कहीं से भी अब शब्दों का इस्तेमाल न हो, अपमानजनक टिप्पणी न हो, चूंकि यह लोकतंत्र है, इसमें हम चाहते हैं कि अगर हमको सम्मान मिले तो हमको भी सम्मान देना पड़ेगा। हम अपने तरफ से अपने साथियों का सम्मान करते रहेंगे जो साथ में नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमारे अपने हैं, साथी रहे हैं, तो इनको सोशल मीडिया के प्लेटफार्म से भी आप अपना रोष प्रकट करें, लेकिन सम्मानजनक तरीके से, अपमानजनक तरीके से नहीं, अब शब्दों का भी इस्तेमाल ना हो, हमारा आह्वान आप सभी लोगों से निवेदन है। और साथियों, ताकत दिखानी है, क्रोध दिखानी है, और क्रोध है, इस क्रोध को दिखानी भी है, लेकिन इसको अपने वोट की ताकत से दिखानी है, और यह दिखानी है कि यह राष्ट्रीय जनता पार्टी कमजोर पार्टी नहीं है, यह राष्ट्र